हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप मैथ में कमजोर हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमेशा मैं बेसिक चीज़ों से लेकर चलता हूँ। सबसे पहले किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आपको हमारा एग्जाम्पल समझना होगा। हमारे एग्जाम्पल को समझिए, उसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, इसको प्रतिस्थापन से करना है। साइन ए एक्स प्लस बी डॉट कॉस एक्स प्लस बी है, ठीक है। सबसे पहले इसको समाकलन के रूप में हम लोग रखेंगे। समाकलन के रूप में रखिए, समाकलन साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस बी, समाकलन दूसरा है कॉस कोष्टक में ए एक्स प्लस क्या बी, इसके बाद क्या लगेगा बी, समाकलन के रूप में चेंज कर दिया गया। इसमें से बात ये आती है कि हम लोग किसको मानेंगे, ठीक है। साइन को मानेंगे तो कॉस मिल जाएगा, कॉस को मानेंगे तो साइन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग देखिए, आप जो है कि साइन एक्स को भी मान सकते हैं और कॉस एक्स को भी, ठीक है, किसी को भी मानकर हल कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले पद को मानकर हल करते हैं। माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर कितना है टी। आप लोग जो है कि दूसरे को भी मानकर हल कर सकते हैं। चलिए लिखेंगे समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, d बाई डी एक्स आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, साइन है ना, साइन ए एक्स प्लस बी इजिकल टू डी बाई डी एक्स आपका किसका निकलेगा डी टी का, ठीक है। चलिए साइन एक्स, ये जो टोटल वैल्यू है ये आपका, इस टोटल वैल्यू को क्या मानेंगे आप एक्स, तो साइन एक्स पे हो जाएगा, जिसको आप एक्स मानेंगे पुनः उसका अवकलन करेंगे। ये इस टोटल को एक्स माना गया है तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आपका कॉस एक्स, तो एक्स का वैल्यू है आपका ए एक्स प्लस क्या बी। देखिए इसको एक्स माना है तो पुनः इसका अवकलन फिर कीजिए, डी बाई डी एक्स आपको करना है किसका ए एक्स प्लस क्या बी, ए एक्स प्लस बी का करना है अवकलन इजिकल टू। चलिए टी का अवकलन कितना हो जाएगा, टी का हो जाएगा डी टी अपन क्या हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से कॉस कोष्टक में ए एक्स प्लस बी, चलिए इसका कीजिए, देखिए यक्स का अवकलन करेंगे तो यक्स का गुणांक ए है तो गुणांक ए का अवकलन होगा नहीं यहाँ पे, ए बाहर आ जाएगा, यहाँ से देखिए ए बाहर आ गया और एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा वन, अब बी यहाँ से कोई अचर राशि है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा जीरो इजिकल टू आपका डी टी अपन क्या हो जाएगा डी एक्स। चलिए एक से एक में गुणा करेंगे ए हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं ए कॉस कोष्टक में ए एक्स प्लस बी इजिकल टू हो जाएगा डी टी अपन क्या डी एक्स। तिरे गुणा कर दीजिए, तिरे गुणा करेंगे तो डी एक्स को यहाँ पर लाइए इन लोगों के जगह पे, आ इन लोगों को जो है कि डी एक्स के जगह पे ले जाइए, तिरे गुणा आसान ये हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा, दोनों को चेंज कर दीजिए, इसको यहाँ पर कर दीजिए तो वन बाई के रूप में इसको लिख लीजिए, क्योंकि वन बाई लिखेंगे इसको ए कोष्टक में कॉस कोष्टक में ए एक्स प्लस क्या बी, ठीक है, आई इंटू क्या डी आ नहीं है तो इससे इसमें गुणा करके सिर्फ इससे इसमें गुणा करके फिर गुणांक हटाएंगे तो यही करना पड़ेगा, ठीक है, एक स्टेप बढ़ जाएगा। यहाँ से आपका हो गया ये क्या समीकरण नंबर 2। चलिए यहाँ से आ जाइए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। चलिए आपका समाकलन क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी डॉट कॉस ए एक्स प्लस क्या बी डी एक्स, मान रख दीजिए समाकलन। चलिए साइन को क्या मान, समाकलन, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माना गया था टी माना गया था, टी हो जाएगा गुणे ये आपका हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी
ठीक है, गुणे dx को क्या माना गया, देख लीजिए dx क्या है, dx dx है आपका 1 बाई a कोष्टक में 1 बाई a डॉट cos कोष्टक में ए एक्स प्लस क्या b, और यहाँ से क्या हो जाएगा dt, क्योंकि ये मान निकला हुआ है dx का, तो dt रख दिया गया। चलिए इससे जो है कि ये क्या होगा, कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा समाकलन t बाई a और क्या dt, जहाँ पर a जो है कि यह अंक के रूप में अचर राशि है, तो यह बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 बाई a बाहर आ जाएगा, और समाकलन t और dt, तो यहाँ से 1 बाई a गुणे समाकलन t क्या करेंगे, तो घात एक बढ़ जाएगा और बटा में घात, तो यह हो जाएगा t, यहाँ पर घात एक है, एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और बटा में घात बाई 2, यहाँ से गुणा कर दीजिए, यानी कि टी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2a, और प्लस ये क्या हो जाएगा c, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद करेंगे क्या, टी का मान रखिए, टी को क्या माना गया था, साइन, टी को माना गया था साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, आ इसका घात कितना हो जाएगा, टी का घात 2 है तो इसका घात कितना 2, अब बटा में कितना कर देंगे 2a प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।